जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। आज जो है चैत्र कृष्ण पक्ष की शीतलाष्टमी का पावन पर्व है। इस शीतलाष्टमी में शीतला माता जी का पूजन किया जाता है। सब घर में इसका पूजन होता है, सभी हिंदू धर्म में। और इसमें जो है बसेरा इसे कहा जाता है। माता जी का जो स्वरूप है ये चार हाथ है, एक में जो है नीम की पत्तियां ली हुई हैं और एक में जो है कलश लिया हुआ है और एक में जो है झाड़ू ली हुई है माता जी, और एक हाथ में जो एक हाथ से जो है आशीर्वाद सबको दे रही है। ये झाड़ू जो प्रतीत है कि यह गर्मी का सीजन चल रहा है, इस गर्मी के सीजन में यदि सफाई नहीं की गई, साफ सफाई नहीं रखी गई तो रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। और ये कलश जो लिया है माता जी, ये अमृत का कलश है। ये जल का जो है इसे जल को बचाना चाहिए, इस जल की ज़रूरत पड़ेगी। और जल हम घर घर घट घट में ये गर्मी में रखते हैं मटके, ये जल का प्रतीक है कि सभी को शीतलता प्राप्त हो। और नीम की पत्ती के विषय में सबको मालूम है कि जहाँ नीम की पत्ती रख दिया जाए वहाँ कीटाणु जीव जंतु रोग सब नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह ये सब लेकर के माता जी आशीर्वाद दे रही हैं। आज शीतलाष्टमी है, इस पावन पर्व पर सभी संस्कारधारी देशवासियों को शुभकामनाएं। और माता जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, जिससे शीतल का कोप जो होता है, आपने देखते हैं कि वो जो है फुंसियाँ जब उगती हैं पूरे शरीर में तो उसे कहते हैं शीतल माता का प्रकोप हो गया है। तो यह जो है सभी को मानना चाहिए शीतलाष्टमी। इसे कई जगह बसेरा के नाम से जाना जाता है और यह व्रत बड़ा ही उत्तम है, यह व्रत करना चाहिए। महंत योगी राजेश महाराज, श्री दशमुखी महाकाली मठ।